अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। कल मैं मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मुझे एक जगह जाना भी था, तो इसकी वजह से कल का व्लॉग नहीं आ सका, तो उसकी माजरत। सॉरी 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 सॉरी। और आज आपको बताते चले कि सुबह हो गई है, तो जरा देखे ना, तो सी भाई गए हुए हैं अपनी शादी अटेंड करने गए हैं। आप उनके चैनल पे भी देख सकते हैं कि वो शादी किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। तो अपनी शादी इंजॉय करने के चक्कर में वो अपने परिंदों को बिल्कुल भूले हुए हैं, और उनकी फिंचेस मेरे पास पड़ी हुई जैसा आपको उन्होंने व्लॉग में बताया था। तो आए आपको दिखाते हैं कि उनकी फिंचेस क्या कर रही है। Meanwhile, at the crusty crab. तो गाइस हमारी तो सुबह हो गई है, फिंचेस को भी उठाए। ये देख यहाँ पे फिंचेस हुई हुई है, उनका कपड़ा वगैरह उठाते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और फिंचेस कैसे हो, देख लो। देख ले फिंचेस भी उठ गए हैं, हमारे इस्लाम का जवाब भी दे रहे हैं। क्या हाल है, ठीक हो? कितने ठीक हो? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इधर लाओ ना, इधर लाओ, ये देखो ना आप, वो देख लो। तो सी साहब आप कुछ भूल गए हुए हैं ना, ना आपका पूछते हैं ना कुछ। तो आपने अब तो सीफ के पास रहना, मेरे पास रहना है। तो मुझे बताओ मेरे पास रहना है। तो सीफ ऐसे ही ना, तो सीफ ऐसे भी लंगर पानी कर रहा, उसको चाह रही इन छोटे छोटे परिंदों का क्या उसको ख्याल होना। तो बस देख ले, इनको सुबह होगी, इनका दाना भी है, इनको थोड़ा बहुत दाना वगैरह ला के डालते हैं। तो आपको चूजों से भी मिलाते हैं ऊपर जाके, तो आपको चूजों से मिलते हैं। Few moments later. भाई यार मैं ऊपर गया हूँ, तो मैंने देखा है परिंदों का दाना बिल्कुल खत्म हुआ हुआ था। तो मैं कहा फिर अक्षर भाई की शॉप पे आते हैं, तो ये देखे अक्षर भाई हम दाना खरीद रहे हैं। अक्षर भाई जी भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह पाकर दाना देखने आपको 18 ग्राम ऊपर ही है, मेरी तरफ से चीनी को डाल दो। इतना ज्यादा दाना हम दाना लेकर आप निकलते हैं घर की तरफ, तो घर में आपको भी बाद में दिखाते हैं चूड़ों का दाना वगैरह डालते हैं। पर आपको पता है तसीर साहब से वैसे ही गायब हुए हैं, पता नहीं उसने कितना लंगर उजाड़ना है। बाकी आपको भी बाद में मिलते हैं दाने के बाद, वो देखे तो क्या आएगा। One eternity later. तो गाइस हम आ गए हैं, चूड़ों का दाना लेकर आ गए हैं। तो अब आपको देखते हैं दाना डाल के उनको मिलते हैं। Three days later. तो गाइस हम चूल्हा वगैरह से फ्री हो गए हैं, तो हमारा ना पार्सल एक आया था दराज का, वो आ गया है, आपको भी दिखाते हैं पार्सल। ये हमारा पार्सल था, तो हम इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या था। 346 minutes later. तो गाइस हम आ गए हैं, अब इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। हमने इसको ओपन कर लिया, ये हमारा आ गया। देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी चला के देखते हैं कैसा है, तो फिर आपको मिलते हैं 5-10 मिनट बाद इसकी सेटिंग करके। Very boring minutes later. तो गाइस आपको बताते चले, एक निहायत ही चगल इंसान एक हफ्ते की शादी पार के आया है, आपको मिलाते हैं। ये बंदा एक हफ्ता गया है, ना कोई लिफ्ट ना कोई मैसेज। मैसेज मैंने किया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा, इस बंदे ने उसका रिप्लाई नहीं किया। यार चवल इंसान तो ना, कि वो हफ्ते बाद अगर एक बंदा से दूसरे से मिलता है उसको ये कहता है चवल इंसान। यार तू जिस तरह मैं छोड़ के गया ना, मुझे देर वक्त काफी बड़ी है। और छोड़ के मैं मिल के गया हूँ, सामने वीडियो के अंदर देखा है मैं। गाइस आया हूँ सबसे पहले आपके वालिद साहब, मस्ती का रहे हैं। मलिक मैं आया हूँ जी, मलिक साहब को मिलके गया हूँ, सबने देखा है, बड़ी अच्छे तरीके से मिल गए। बाकी हमारी मैसेज पे भी बातचीत होती थी यार जी, बड़ा मजा आया हमें। चले मैं आपको, मुझे एक चीज अभी पता चली है, मैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन करके मिलता हूँ।
lot of boring math later. तो गाइस तो सी भाई आए हुए थे तो आगे अपने फिंचेस ले गए हैं, हम उन फिंचेस को बड़ा ही मिस करेंगे। और दूसरी बात आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वीडियो क्यों नहीं डाली, वो ये वजह थी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था और इसमें न्यूजीलैंड के साथ साथ अपनी वजूहत भी थी क्योंकि पाकिस्तान इंग्लैंड से बहुत बुरी तरह अपना मैच आ रहा है जिसकी वजह से दिल ऐसा टूटा हुआ था कि वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया। लेकिन हमने फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वर्ल्ड कप तो हमारा तो खत्म हो गया लेकिन आगे भी जारी है। अभी मजा आएगा ना। और बुध को यानी वेडनेसडे को अब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। अब तक इंडिया अनडिफिटेड है और उन्होंने अपने 9 से 9 मैच जीते हैं, जबकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है उसने अपने 5 मैच जीते हैं और 4 हारे हैं। 4 को इकट्ठी हारे थे लेकिन उन्होंने दोबारा अपना मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। और उसके साथ साथ हमारा कंट्रोलर आया था जो आपको उन्हें अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी, तो आपके लिए उस कंट्रोलर को लाने का मकसद ये है कि आपके लिए अनक्रिय हम गेमिंग वीडियोज भी बनाया करेंगे जिसमें GTA होगी और डोन ब्रामा क्रिकेट 14 और एशेज क्रिकेट 19 इस तरह की गेम्स होंगे जिसको हम खेला करेंगे। और कल हमारा जहन बाहर है कि तसीब एक साथ गेम घूमने फिरने जाए, तो उसका आपने हमारा वेट करना है। और दूसरी बात आपके साथ एक बात शेयर करनी है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आप उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, शेयर करें, और जब हमारे चैनल पर आते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आज के व्लॉग को इसी में एंड करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।